لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بڑی لمبی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی موت کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی، جب چلے جائیں گے، اور جانا تو ہے ہی، جب موت آئے گی، جب چلے جائیں گے. یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حج میں جانے والا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جب حج کا دن آئے گا تو چلے جائیں گے، تیاری کرتا ہے. شادی کی تاریخ لینے کے بعد کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ شادی تو ہونی ہے بچے کی، جو دن آئے گا اس دن کر دیں گے، بیٹی کو لے آئیں گے رخصت کر کے، ولیمہ ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ کوئی تیاری، کوئی محنت، کوئی کوشش؟ تو کہا نانا، اس وقت تو بڑے سمجھدار ہیں، اس وقت یہ نہیں کہتے کہ شادی تو وقت پر ہو ہی جائے گی، چونکہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، پتہ ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے تیاری، محنت، کوشش، پلان. رات میں سو رہے ہیں، یہی مشورے، یہی مذاکرے ہیں. سونے کا سیٹنگ ہو گیا، سننے کا، کھانے کا کیا کیا، کون سی چیزیں رکھنے والے ہیں، کہاں بنوانے والے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیں، تھوڑا سا وہ کر لیں. اچھا، بیٹی کے کپڑے آ گئے؟ روزانہ رات میں بیوی کی یہی باتیں. آج گئے تھے ہم کپڑے لینے، الحمدللہ یہ دو جوڑی کپڑے لے آئے، اتنی سینڈل لے آئے. اور بیٹے کے ابا کو ٹینشن، بھائی گھر میں کلر ہو گیا، سیلنگ تیار ہو گئی. میرے عزیزوں، بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایک شادی کے لیے دو تین مہینے پورے ماں باپ ہل جاتے ہیں اور
अटेंशन हो जाते हैं अपना कारोबार, अपना बिजनेस और अपने प्लानिंग और अपने घूमने की चीजें सारी आगे पीछे करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शादी के दिन बेइज्जती हो जाए इसके लिए तैयार नहीं होते। और बिचारी एक मोती है, इसके बारे में यूं कह देते हैं, हाँ मरना तो है ही ना, मर जाएंगे वो। मेरे अजीज, शादी में एक बार बेइज्जती हो गई ना तो दोबारा इज्जत मिलेगी, लेकिन अगर मौत के वक्त जो कलमा ना मिला और वहां जो बेइज्जती हो गई और यूं कहा कि आप हमें नाराज करके आए, हमने आपको जिंदगी दी थी, हमने आपको सेहत दी थी, हमने आपको तंदुरुस्ती दी थी, हमने आपको कारोबार दिया था, हमने आपको रहने के लिए मकान दिया था, आपको दिल बहलाने के लिए बीवी दी थी, आपको बच्चे दिए थे और आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं थी। दुनिया में कितने लोग थे जो तकलीफों में थे, हालात में थे, कितने लोग थे जो बेचारे हार्ट के मारे परेशान थे, कितने लोग थे जो सांस की वजह से तकलीफों में थे, कितने लोग थे जिनके कमर में प्रॉब्लम था, कितने लोग थे जिनको घुटन की तकलीफ थी। सूरत में क्या बहुत सी बच्चों की वो हॉस्पिटल है जिसमें बच्चे दो दो महीने से अस्पताल में, क्या भरी हुई नहीं है? क्या आईसीयू रूम भरे हुए नहीं है? क्या डायलिसिस रूम भरे हुए नहीं है? क्या हर दो घंटे में तीन चार ऑपरेशन बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में नहीं हो रहे? मुंबई एक अस्पताल में जाना हुआ तो वहां जिसको गैंगरिंग वगैरह हो जाता है उसका पैर कटिंग करते हैं, तो दिल हिल गया। 8-10 आदमी को देखा, सबके पैर कटे हुए, क्या हो रहा है? तो कहा बस पैर कटिंग हो रहे, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो कहा अच्छा हो जाए। कितना खर्चा है? तो कहा 6 लाख 7 लाख। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने एक नेमत दी है उसको कटिंग करने के 6-7 लाख है, तो ये नेमत कितने की होगी इंसान सोच नहीं सकता। इसीलिए फरमाया कि जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, मोहब्बत बढ़ती है। एक शख्स फॉरेन से आए और बेचारे एक आदमी के पास कार नहीं थी, उसको कार दिला दी, 1 लाख रुपये वाली कार दिला दी, जिंदगी में उसके एहसान को नहीं भूलेगा। क्या बात है कि तब उसने मुझे कार दिलाई। अरे जिसने तुझे जिंदगी दी, जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सोचने के लिए दिल दिमाग दिया, सूंघने के लिए नाक दी, जिसने इतनी सब राहतें तुझे दी, ये बिजनेस तुझे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। जिसके पास कारें हैं उनको कार किसने दी? अल्लाह ने दी। जिनके पास बाइक है उनको बाइक किसने दी? अल्लाह ने दी। रहने के लिए मकान किसने दिया? अल्लाह ने दिया। बीवी किसने दी? तो कहा अल्लाह ने दी। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। औलाद किसने दी? तो कहा अल्लाह ने दी। दुनिया में एक बड़ा तबका वो है जो औलाद की नेमत से महरूम है, उन बेचारों के पास औलाद नहीं। मैं और आप हैं नेमतों में हैं, बाहरों में हैं, फिलहाल मस्जिद में हैं, एसी चल रहा है, क्या ये कोई कम नेमत है अल्लाह की? बहुत बड़ी नेमत। इसलिए फरमाया अल्लाह की नेमतों को याद करो। ओहो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, फिर क्या होगा? फरमाया उसकी नाफरमानी करते हुए शर्म आएगी कि तू जिसका खाता है उसी से बगावत करता है, जिस बाप के घर में रहता है उसी बाप से तू आए दिन मुकाबला करता है। तेरा अब्बा कहते हैं रात को खाने के वक्त आ जाना तो तू रोजाना नहीं आके उनका दिल दुखाता है, दिल दुखेगा फिर क्या होगा? कहा मेरा अल्लाह फजर की नमाज में बुलाते हैं और मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज करूं कि प्यारे अल्लाह ठीक है मरना है, आपके पास आना है, लेकिन मुझे नींद प्यारी है, देखा जाएगा आपके वहां आऊंगा उस वक्त। इंसान की वो सोच नहीं, वो नीयत नहीं, वो जज्बा नहीं, वो इरादा नहीं, वो चाहत नहीं। और जब इंसान नहीं चाहता तो अल्लाह भी नहीं चाहता। फिर हदीस कुदसी में है अना इंद वन्नी अब्दी बी, फरमाया कि मैं तो अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं। जिसने ये गुमान कर लिया कि मुझे जुमा के दिन हर हाल में मस्जिद में जाना है, हर हाल में जाना है,
ताजिर ने भी ये सोचा, मजदूर ने भी ये सोचा, सारे मुसलमानों ने एक बात तय कर ली कि जुमा के दिन तो हर हाल में मस्जिद में जाऊंगा। अल्लाह ने कहा तूने तय किया ना, तूने इरादा किया ना कि जुमा पढ़नी है, मैंने भी फैसला कर लिया तू जहां भी होगा जुमा की तौफीक दे दूंगा। बंदे के इरादे के मुताबिक अल्लाह के फैसले होते हैं, नियतों के मुताबिक अल्लाह के फैसले होते हैं, सोच के मुताबिक अल्लाह के फैसले होते हैं, चाहत के मुताबिक अल्लाह के फैसले होते हैं। क्या आखिरत बनाना चाहता है? और एक बड़ा तबका मुसलमानों का वो है जिसने ये सोचा कि फजर में मेरी आंख नहीं खुलती है, आंख नहीं खुलेगी, उसने तय ही नहीं किया फजर पढ़ना। एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, फजर की नमाज तो बहुत दूर की बात है, वो असर की नमाज नहीं पढ़ता, जुमा पढ़ ली अब असर में गायब। क्या है तो का सेठ छुट्टी नहीं देता, अरे दरगुजर करो ऐसे सेठ को, ऐसी रोजी पर लात मारो। सेठ का भी तो कोई सेठ है, उसका भी तो कोई खालिक है, उसका भी तो कोई मालिक है, उसका भी तो कोई पालनहार है। अगर नमाजें छोड़ करके जो रोजी हासिल की जाएगी तो उसका पैसा दवाखानों में जाएगा और आमिलों के पास जाएगा, और वो रोजी घर में मियां बीवी में लड़ाइयां लाएगी, परेशानियां लाएगी, हालात लाएगी, तकलीफ लाएगी, बेचैनी लाएगी। फिर इंसान तड़पेगा, बेचैन होगा, और उसी के पैसों से अल्लाह उसको हलाक करेगा। जो भी काम बनाने जाएगा उसके काम बनेंगे नहीं, एंड पर आकर उसके काम बिगड़ जाएंगे। फिर उसकी एक शिकायत होगी कि मौलाना साहब हमारा तो हर काम अधूरा रहता है, वजह यह है कि नमाज में आगे पीछे हो रहा है, नमाज में सुस्ती हो रही। और जो ये तय कर लेता है, माशाल्लाह यहां तो सारे ही पांच वक्त के नमाजी, अल्लाह का शुक्र है, जो ये तय कर लेता है कि मुझे पांच वक्त की नमाज हर हाल में पढ़नी है, उसने सिर्फ इरादा किया है, नियत की है, उसकी सोच है मुझे पढ़नी है हर हाल में। हाँ मेरे बंदे, जब तेरी चाहत है तू पढ़ना चाहता है, मेरे घर में आना चाहता है, वुजू करना चाहता है, मेरी मस्जिद में आना चाहता है, पेशानी मेरे सामने बिछाना चाहता है, तेरा अल्लाह भी फैसला करता है तुझे हर हाल में पांच वक्त की नमाज में लाएगा। फिर वो बीमारी में भी आएगा, तंदुरुस्ती में भी आएगा, मालदारी में भी आएगा, गरीबी में भी आएगा, खुशी में भी आएगा, गमी में भी आएगा, गर्मी में भी आएगा, सर्दी में भी आएगा, बारिश में भी आएगा, फरमाया के हर हाल में आएगा। चूंकि उसने तय कर लिया है, एक बारीक बात समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमारे मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह को क्या जरूरत है मेरी और आपकी, उसकी तो 18,000 किस्म की मखलूकात है और वो तो बेऐब है, जरूरत से पाक है, ऐब से पाक है, नुक्स से पाक है, वो तो बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। ये तो उसका एहसान है कि हम उसके घर में बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, जिंदगी गुजारने की मजा आएगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर मुझे कोई ये पूछे कि कुरान शरीफ का खुलासा क्या है, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अगर कोई मुझे यूं पूछे कि पूरे कुरान का खुलासा क्या है, हजरत फरमाते हैं जिसका खुलासा यह है कि मैं स्टेशन पर हूं, ट्रेन आ चुकी हो, मेरा एक पैर पायदान में हो, दूसरा पैर पायदान में रखने से पहले मैं उसको बता दूंगा कि अल्लाह पूरे कुरान में क्या कहना चाहते हैं। हजरत बता दीजिए, फरमाया पूरे कुरान का खुलासा तीन बातें हैं। नंबर एक, अल्लाह को राजी करो इबादत से, अल्लाह को राजी करो उसकी इबादत करके। नंबर दो,
پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، نبی کی نقل اتارو، سنتوں پر چلو، واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا سوچا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، جو پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی توفیق دے دیتے۔ جب گزارنا چاہے گا تو سنتوں کو پڑھے گا، سنتوں کو سیکھے گا، سنتوں کے لیے دعا کرے گا اور اس کے لیے تڑپے گا، اور کوئی سنت چھوٹ جائے تو افسوس کرے گا۔ میرا تو دل ہل گیا جب میں نے سنا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، سلطان الہند، پورے ہندوستان پر حضرت کا احسان۔ ہمارے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے عجیب و غریب کام لیا، اور ہم تو اللہ والوں کی جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ حضرت وضو کر رہے ہیں تو وضو میں پیر کی انگلیوں کا جو خلال ہوتا ہے وہ سیدھے پیر کی آخری انگلی سے ہوتا ہے، ایسے کر کے، اور پھر انگوٹھے سے اخیر تک پوری اس ترتیب سے خلال ہوتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلال کیا انگوٹھے سے، پھر دوسری انگلی، پھر تیسری انگلی، پھر چوتھی انگلی، اس طرح خلال کیا۔ ایک عالم دین کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے سنت پر عمل تو کیا لیکن خلال کا جو طریقہ کیا نا وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو کہا اچھا، یہ تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اللہ والے، ماننے کا جذبہ تھا، فوراً تحقیق کی کہ میں جو خلال کیا وہ سنت کے خلاف ہے، تو پتا چلا ہاں ہاں سنت کے خلاف ہے، سنت اس طرح ہے۔ حضرت کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا، عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ جب علم ہو گیا اتنا افسوس کیا کہ اپنی 40 سال کی نمازیں دہرائیے، 40 سال۔ یہ ایسے عاشق تھے پیارے نبی کے، ایک سنت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اور آج خواجہ صاحب کے عاشق ایسے ہیں جن کے پاس صرف خواجہ صاحب کا نام ہے، سنت طریقہ کوئی نہیں، نہ ان کو چہرہ پسند ہے نبی والا، نہ ان کو لباس پسند ہے، نہ وہ کوئی درود شریف کا اہتمام ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاش ہے، نہ اوابین ہے۔ اور خواجہ صاحب تو اللہ اللہ کرنے والے، اللہ سے لینے والے، تعلق معلہ مضبوط، دنیا کی محبت کو جڑ سے نکال کے رکھ دیا تھا، اور اس کی محنت کرتے، کوشش کرتے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے عام ہو جائے۔ اسی لیے سفر کر کے اجمیر شریف تشریف لائے تھے، اسی لیے سفر کر کے بنگال گئے تھے، پیسے لینے نہیں، پیسے کمانے نہیں، دنیا میں شہرت کروانے نہیں، اپنی چرچا کروانے نہیں، میں بھی اللہ سے جڑوں اور اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ سے جڑے۔ اور آج کے عاشق رسول کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پاس گش کے لیے وقت نہیں ہے، ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب تو اپنا پورا ملک چھوڑ کے آ گئے، اور اس کے پاس دو نمازوں کے درمیان وقت فارغ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا آپ گش میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ بیزی ہوں، کام ہوتا ہے مجھے۔ اچھا تو جو گش میں آتے ہیں وہ فری لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا؟ میرے عزیز تیرا کام بہتر یا اللہ کا دین بہتر؟ 168 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں، اور اس میں انسان آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں۔ بہت اچھی طریقے سے میں نے اپنے والد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، ہمارے یہاں منگلوار کا گش کا دن ہے، منگل کے دن کوئی شادی میں حاضری نہیں، منگل کے دن دکان کی خریدی کے لیے جانا نہیں، اتنی بیماری کے باوجود منگلوار کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، منگل کا دن دے دیا اللہ کو، جمعرات کا دن مرکز پر، یہ دن کوئی بزنس نہیں، پورا شوروم چھوڑ دیتے، ہر حال میں جمعرات کو ملنا ہو مرکز جاؤ، اور منگلوار کو ملنا ہو تو رنگون نگر کی مسجد میں آؤ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر میں شفا عطا فرمائی، ہلکا پھلکا چلنا شروع کیا، تو مجھے پتا چلا تو میں تعجب میں رہ گیا، منگلوار کو گش کا دن آیا،
गश्त तो हमारे यहां मगरिब से ईशा होता है, वो 4:30 बजे से मस्जिद चले गए, रात 11:30 बजे आए, इस मंगल की बात कर रहा हूं, हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, उस तरीके पर जा रहे हैं। क्या बात है, तय कर लिया कि मैं अल्लाह के दीन को अहमियत दूंगा, अल्लाह ने तय कर लिया, जा तू मेरे दीन का काम कर। बहुत से लोग बेचारे वो समझते हैं हम तो बड़े बिजनेस वाले, हम तो कारखाने वाले, हमारी तो बड़ी दुकान है, हमारी तो बड़ा शोरूम है, हमारी तो नौकरी है, तो आप क्या करेंगे, शोरूम है तो सिर्फ पैसे कमाऊंगा, मेरे पास अल्लाह के दीन के लिए वक्त नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर आपसे काम नहीं लेंगे। सोच क्या है, इरादा क्या है, जज्बा क्या है, चाहत क्या है। जिक्र करने वाले कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपको पहले भी सुनाया तकरीबन, हमारे नौसारी में एक चचा थे, रोजाना 6 पारे अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। अच्छा कैसे पढ़ते थे, वक्त है उनके पास अल्लाह के कुरान के लिए, उन्होंने तय कर लिया मुझे 6 पारे पढ़ने, अल्लाह ने भी कहा जा पढ़, तू पढ़ना चाहता है, तेरे पास अगर मेरे कुरान के लिए वक्त है, दुनिया की चीजों से ज्यादा तू मेरे कुरान को अहमियत देता है, तो अल्लाह भी तुझे तौफीक देता है, चल। और अगर तू बिजी आदमी है, तू मशगूल है, चूंकि तेरा कामकाज बड़ा है, तेरे पास पैसे ज्यादा है, तेरे पास शोहरत है, और तू मशगूल आदमी है, दुनिया की वजह से तुझे वक्त नहीं मिलता, और तू नहीं चाहता तो अल्लाह भी नहीं चाहता, हिसाब करता रह जा, पैसे गिनता रहे, तू दुनिया कमाता रहे, तुझे कुरान की तौफीक नहीं होगी। अल्लाह पाक मैं रमजान में चाहता हूं, ठीक है रमजान में दे दूंगा, और रमजान के बाद मैं बिजी हूं दुकान में, ठीक है बिजी हो जा दुकान में, तौफीक नहीं दूंगा। अच्छी तरह एक बात समझ लो साकिब, तू भी समझ ले और आप भी समझ ले कि जो काम दीन का हम नहीं करना चाहते अल्लाह तौफीक देना नहीं चाहते। हमारे यहां एक शख्स रिक्शा चलाते हैं, 2016 में चिल्ला लगाया, फिर सोचा मैं तो रोजाना कमा के रोजाना खाता हूं, मशगूल आदमी हूं, मेरे पास वक्त नहीं, अब नहीं जाऊंगा, तौफीक छीन ली, बंद कर दिया। ठीक, आप नहीं जाना चाहते अल्लाह के रास्ते में, आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं। अब आपको परेशानी दिखेगी, आपको हालात दिखेंगे, आपको कर्जा दिखेगा, अब आप नहीं जा सकते। सोच चेंज हो गई आपकी, नीयत चेंज हो गई, और अल्लाह जबरदस्ती किसी से अपने दीन का काम लेना नहीं चाहते, क्योंकि जिससे दीन का काम लेते हैं उसकी मौत अच्छी आती है, दुनिया उसके कदमों में डालते हैं, रोजी बरकतों वाली अता फरमाते हैं, और आखिरत में भी बड़े ऊंचे मकाम से नवाजते हैं। लेकिन ये सब तुझे नहीं चाहिए, सिर्फ दुनिया चाहिए। दुनिया में 2017, 18, 19, 20, 21 वक्त नहीं लगा, हर साल चिल्ला लगता था, महरूम कर दिया, सोचते फिर भी नहीं जा सकते कि आज चल चिल्ले में जाएंगे आप खाना कैसे खाएंगे, अब तो रोजाना कमा के रोजाना खाते हैं ना। सोच लॉकडाउन में समझ में आया, ना ना अल्लाह खिलाता है, सारी दुकानें बंद, बाजार बंद, फैक्ट्रियां बंद, तो ये तो अल्लाह ने खिलाया, तो मैं तो जाऊंगा तो मुझे अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह के रास्ते में गए, वक्त लगा कर आए, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की दुआएं कबूल होती है। मुझे आकर के कहा मौलाना मेरे 5 बड़े बड़े काम थे जो 5 साल में भी मुकम्मल नहीं होते, मैंने अल्लाह के रास्ते में निकल करके रट लगाई, अल्लाह को मनाया, मुझे मिले 1 महीने के बाद, और कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज का वो दिन है कि अल्लाह ताला ने मेरे 5 काम कर दिए। और अभी हमारे यहां से चिल्ले की जमात जा रही है और वो फिर आने के लिए तैयार है, खुली मदद देखी अल्लाह की आंखों के सामने, वो नहीं जाना चाहते थे, 5 साल सारे रास्ते बंद, नहीं जा सकते आप, अल्लाह के चाहे बगैर कैसे जा सकेंगे। और जब उन्होंने सोचा कि ना ना लॉकडाउन में अल्लाह ने खिलाया, मैं तो जा सकता हूं, उनके लिए सारे काम खोल दिए। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। गरीबों को बहुत जल्दी तौफीक दे देते, बहुत जल्दी। और जो दरमियानी लोग होते उन्हें भी तौफीक दे देते। मेरा अपना तजर्बा बता रहा हूं, अक्सर मालदारों का, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर मालदारों का वो तबका है, उन्हें अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक नहीं मिलती। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, असल में वो समझते हैं हम बिजी आदमी हैं, हमारा काम आगे पीछे हो जाएगा, नहीं देते। हमारी जमात के
एक बड़े संजीदा और तजर्बाकार आदमी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अपनी जमात में माशाल्लाह कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। उन्होंने मुझे कहा कि 10% लोग ऐसे हैं जो कई करोड़ों के मालिक है मौलाना, 100, 500, 1000 करोड़ नहीं, कई करोड़ों के मालिक है। मैंने कहा उनमें से किसका वक्त लगता है? सोचा सोचा, बहुत देर सोचा उन्होंने, चूंकि कुछ दर्जे में बिरादरी में दीनदारी भी है, तो उन्होंने सोचा, और हमारे यहां बिदत कोई नहीं पूरे उसमें। सोच के कहा मौलाना, बहुत गहरी सोच के बाद कह रहा हूं, एक का भी वक्त नहीं लगता है। पैसा बहुत है, बिजी है, फैक्ट्रियां चलती है उनकी, काम है, वो जा नहीं सकते, वो जाएंगे तो उनका काम अल्लाह आगे पीछे कर देंगे, उनको ऐसा लगता है। फिर मैंने पूछा दरमियानी तबका और गरीब का तबका कितना है? 90% है, वो दरमियानी है और दरमियानी के करीब करीब है। इनमें से कितनों का वक्त लगता है? तो का 89% का वक्त लगता है। वो जाना चाहते हैं, अपने आप को छोटा आदमी समझते, बड़ा बिजनेसमैन नहीं समझते, अल्लाह ताला उन्हें ले जा रहा है। मैंने पूछा वो 10% जो मालदार है उनमें से कितनों के बच्चे हाफिज बन रहे, आलिम बन रहे, बड़े बड़े मदरसों में, डाभेल में, कफलेता में? उन्होंने एक का भी नहीं है। अच्छा, उनके पोते नवासे? मेरे इल्म में कोई नहीं। मैंने कहा ये जो दूसरे 90% है जो मिडिल क्लास है उसमें से कितनों के बच्चे? तो कहा उनमें तो एक एक घर में चार चार हाफिज है, पांच पांच हाफिज है, किसी के पोते 2 हाफिज, किसी के नवासे 2 हाफिज। उस वक्त मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला से जब दुनिया की दौलत मांगे तो साथ में दीन की दौलत भी मांगनी चाहिए। वरना आम तौर पर मैंने देखा कि दुनिया की दौलत मिलती है और इंसान उसी के नशे में एक दिन मर जाता है, हाथ उसके कुछ नहीं आता, और उसके जाने के बाद विरासत के लिए लड़ाइयां होती है। आप कहेंगे मौलाना आप क्या चाहते हो कि हम सब गरीब हो जाए? मैं ये नहीं चाहता, मैं एक बात चाहता हूं कि आज की मजलिस में, इसको आप बयान न समझो, मुजागरा समझो, तय करो कि मेरे यहां गश का दिन कौन सा है, मुझे उस दिन हर हाल में जाना है, उस दिन हर हाल में जाना है। कितने लोग हैं जो 2 गश के दरमियान इतना दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं जो शायद पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ सकते? मस्जिद में उनका वक्त लगता है। अपना हफ्ता तय करो, ये हफ्ते मुझे महीने में 3 दिन जाने हैं, थोड़ा बहुत काम आगे पीछे हो जावे, थोड़ी बहुत दुनिया आगे पीछे हो जावे। दुनिया आगे पीछे होके क्या हो रहा है? तो कहा अल्लाह का दीन जिंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, सस्ता सो जाए। अल्लाह के दीन की मेहनत जो है ये आबादी के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं। अल्लाह के दीन की जो मेहनत करता है सरसब्ज़ और शादाब हो जाता है। अल्लाह के दीन की जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और उसके कदमों को जमा देते हैं। अल्लाह के दीन की जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे इज्जतें अता फरमाते हैं, बरकतें अता फरमाते हैं, रहमतें अता फरमाते हैं, दिल का सुकून अता फरमाते हैं, रातों में मीठी नींद अता फरमाते हैं, उनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाते हैं, सारे मसाइल का आसान हल बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी नस्लों को अपनी दीन की आली खिदमत के लिए कबूल फरमाए। एक तो ये बात आपके सामने रखनी थी कि हम ये तय कर लें कि नमाज 5 वक्त की मुझे हर हाल में क्वालिटी वाली पढ़नी है। कैसी पढ़नी है? बोझ नहीं उतारना है मुझे। जिस दुनिया को अल्लाह ने बनाया उसको आज तक मोहब्बत की नजर से नहीं देखा, अगर उस दुनिया को मैं नमाज में याद करूंगा तो क्या उस नमाज से मेरे मसाइल हल होंगे? नहीं होंगे। अल्लाह देखते नहीं मोहब्बत की नजर से दुनिया को, और ऐसी दुनिया को हम नमाज में अहमियत देते, प्लानिंग बनाते, अभी यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, अरे सलाम फेर के आप वहां पहुंच जाओगे? नहीं। क्या मतलब सोच के अल्लाह को याद करो, अल्लाह अकबर कितनी मर्तबा कहते हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, जरा ध्यान से कहो, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, मौत याद हो, कब्र याद हो, आखिरत याद हो,
क्वालिटी वाली नमाज हो। हम 10-15 मिनट पढ़ने आते हैं, आप यकीन मानो ये नमाज है जानदार होगी, अल्लाह बेहयाई और बुराई से बचाएगा। दूसरी बात, कुरान शरीफ की तिलावत का तय करना है। मिसाल के तौर पे जोहर के बाद हर हाल में एक बार पढ़ना है, ये मेरा आखिरत का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक हर्फ पे 10 पाउंड नहीं मिलने वाले, 10 नेकियां मिलने वाली है, जिसके मुकाबले में पाउंड कुछ नहीं। तय करो मुझे पढ़ना है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे। तीसरी बात, बहुत सी मरतबा क्या होता है, इंसान चाहता है, बहुत कुछ चाहने के बावजूद नेकी के काम कर नहीं सकता। वजह यह है कि अल्लाह ताला उससे नाराज होते, उसके घर में हालात तकलीफ, वजह अल्लाह नाराज होते। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, यूं फरमाया सदका करो, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका करो क्योंकि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। और सदका करने वालों की, खर्च करने वालों की मौत बड़ी अच्छी आती है। एक शख्स से मुलाकात हुई, वो कहने लगे मेरे वालिद साहब का 15 रमजान को इंतकाल हुआ। मैंने कहा उनका खास अमल क्या था? कहने लगे मौलाना साहब जब उनकी रिक्शा में कोई बैठता था, वालिद साहब खुद हालात में तकलीफ में, उसके बावजूद देखते कि कोई गरीब बैठा है, उससे पैसे नहीं लेते, बल्कि जब वो उतरता तो उसे पैसे दे देते थे कि घर में कोई चीज की जरूरत हो ले जाना। मेरे रब को मेरे वालिद साहब की यह अदा पसंद आई और अल्लाह ने उनको 15 रमजान अता फरमाया। एक गरीब शख्स मेरे पास आए, कहा मौलाना मैं भी रोजाना 10 रुपये सदका करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या नियत है, क्या इरादा है, क्या चाहत है, आप तो खुद बहुत हालात में हो। कहने लगे नाना हालात में हूं तो क्या हुआ, मरना तो मुझे भी है, अल्लाह से मुलाकात तो मुझे भी करनी है, आपकी नीयत क्या है? अजीब बात फरमाई जिसका खुलासा, मौलाना 5 रुपये मेरी फैमिली की तरफ से सदका और 5 रुपये प्यारे नबी की पूरी उम्मत की तरफ से सदका। हजरत ने कहा 10 रुपये में सब कुछ समेट रहा है। सूरत के एक बहुत बड़े ताजिर जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा तो उन्होंने मुझे बताया मौलाना एक मुद्दत हो गई रोजाना 30 रुपये सदका निकालता हूं, 10 रुपये फैमिली की तरफ से, दूसरे 10 रुपये बिरादरी की तरफ से और तीसरे 10 रुपये प्यारे नबी की उम्मत की तरफ से। अभी कश्मीर में एक ताजिर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं जकात निकालता हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कुछ लीला रकम भी निकाला करो, हमारे यहाँ लोग लीला रकम ज्यादा नहीं निकालते। कहने लगे मौलाना मुझे तो कुछ वक्त पहले अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, अभी तो मेरा बिजनेस करोड़ों में है। मैंने कहा उसकी वजह का, मैं सिर्फ जकात थोड़ी ना निकालता हूं, 2.5% जकात निकालता हूं, उसके साथ फौरन 2.5% लीला निकालता हूं। मेरा अल्लाह मुझे बहुत नवाजता है और गरीबों का काम हो जाता है, यतीमों का काम हो जाता है, बेवाओं का काम हो जाता है, मिस्कीनों का काम हो जाता है, सैयद की बच्चियों का काम हो जाता है, 2.5% लीला भी निकाल रहा है। क्या बात है, मौत याद है, मरने के बाद 2.5% नहीं, 0.5% हमारे लिए बच्चे देंगे नहीं, अभी जो